बाबूटा तो कुठे आहे? किक ऑफ सिल्क के साथ मैच का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर ऑन फील्ड रेफरी कॉर्नर स्पोर्ट की तरफ वहां पर इशारा करते हैं और ऐसे में कॉर्नर किक करने के इस बार यहां से मौका मिलेगा। मरांडी एफसी शॉट के लिए वहां पर जाते हुए जब सिनेमा बहने खड़ी मरांग ये था शॉट लगी मरांग मुर्मू चला अपना चेंज करना शॉट ही लगा उन्हें कौन मरांडी एफसी टीम मरांग शॉट मैन खड़े हो गई बढ़िया हेडिंग आठ नंबर उन्हें कौन होपन बाबू हेम्ब्रम बॉल हेडिंग करते बाहर निकला ये था उन्हें कौन चौदह नंबर रे बैटिकन थोड़े सीध हेम्ब्रम सीध में जेट लगना पाइप लोडा रहा खिलाड़ी मैन खड़े था उन्हें कौन लेगा जगह से पांच नंबर डीप कुछ लोग दबा ने कौन थोड़ा गांधी ठंडी देना भी करना हालांकि उन्हें चार नंबर खिलाए का दो एक बार फैसला कनेक्शन बन गया ना हेडिंग करते मैन खड़े था बॉल जहां लगा तैयार होने कौन पांच नंबर का बैटिकन खिलाड़ी संग्राम फैसला संग्राम को टी सुपर खिलाड़ी बनाएंगे इनके डिफेंस लाइन कौन होती मजबूती सलाह बेच खिलौड़ा उन्हें कौन प्ले ऑन गया उन्हें कौन इशारा नवा मैच में मुख्य रेफरी यह पिछले उन्हें कौन सोलह नंबर बोरन टुडू गेंद को लिए है मैन को कवर करने का प्रयास लेकिन यहां से फाउल हुई है फ्री किक करने के लिए वहां पर बोरन को जिस तरीके से वहां गलत तरीके से उसको रोकने का प्रयास किया गया था बाधित करने का कोशिश किया गया था और इस समय फ्री किक इस बार जीते हैं यह मंजराडी टीम। 10 यार्ड की दूरी में आप वो बनाए जो बॉल है 10 यार्ड की दूरी में उन्हें कम से कम दो सौ संगीन रहे उन्हें गार्ड बिना खुली बढ़िया खिलाड़ी मरांडी एफसी टीम बड़ी बढ़िया शॉट बॉल हो जुआ रहे कौन सीधे गोलकीपर शानदार कलेक्शन नियर बाद देखो दोहा और देखो 14 नंबर क्रिकेटर खिलाड़ी सीम हेम्ब्रम मैन खान 15 नंबर बॉलिंग तो इतना जोगेश मरांडी लेकिन इस बार वहां से फाउल पीछे से 11 नंबर में अगर आप देखें यहाँ पर एतवार मुर्मू उन्होंने अपने गलती को वहां से एहसास किया एतवार की अगर गलती हर इंसान से होता है चाहे आप खिलाड़ी हो रेफरी हो या कोई भी जगह में कोई भी संस्था की बात हो स्कूल कॉलेज की बात हो अगर आप इंसान हैं तो जिंदगी में छोटी मोटी गलती होती भी है लेकिन आप उसको एहसास करते हैं यही सबसे बड़ी बात है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना गलती को कभी वो स्वीकार नहीं करते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मैं गलती नहीं करता हूँ लेकिन उस चीज को आपको भूलना होगा। इतवार जी ने इस तरीके से यहाँ पर वो अच्छा संकेत दिया है कि सर मैंने गलती किया अपना गलती को एहसास किया है तुरंत ही वहां पर फ्री किक करने के बाद इस बार संग्राम ने साइलेंस के लिए बढ़ा दिया वहां पर प्ले ऑन का इशारा गोल यहाँ पर हो सकता है पहला मौका क्या बनेगा साइलेंस के लिए लेकिन ये रहेगा एक अच्छा कोर्ट मौका डी बना बेटा था उसका तो मैच रिया हुआ चौथा मिनट ये तो हम समझ गए हालांकि अब बना थी कि पहला गोल रहे तैयारी कूल आर हल्का मचा आरा रोंग रहे जर्सी को इधर पश्चिम लगा को नुकुदो मरांडी एफसी आर नील आर ससांग रोंग रहे जर्सी रहे नुकुदो एफसी मंजला डी टीम बना टीम देखी वहाँ पीछे उन्हें कौन सीट 14 नंबर है जहाँ लगा थी उन्हें कौन रुका हुआ 15 नंबर नवा नंबर का तो राजेश मरांडी का और उन्हें कौन बॉल एक मेरा मैन खान ये था ये था प्रो इंडी चांस को जाने के लिए इतवार मुर्मू उतवार गेंद कर दिया नवा टीम कौन सुपर खेल उड़ा और ये था यहाँ से मौका बन सकता है शॉट लिया जाए ये गोपी उड़ाव का शानदार बचाव आप कर सकते हैं डिस्टेंस जरूर था लेकिन गोपी को अगर आप गोल डालना चाहते हैं तो गोपी को आप उनको चकमाइए तब आप गोल डाल दे पाएंगे लेकिन शॉट जो दिया गया था गोलकीपर का जो ये फर्स्ट पोस्ट है उसमें लगा था लेकिन डाइव करके गोपी उड़ाव ने गेंद को बाहर किया है कॉर्नर कंसीड हो चुका है ये देखिए कनेक्शन नहीं बना अच्छा हेडर लिया था लेकिन इस बार 10-40 बार और ये वहां पर क्या होगा हैंड फाउल का कॉर्नर हैंड फाउल वहां पर लगी है 18 यार्ड बॉक्स के बाहर थोड़ा सा भी अगर वहां पर अंदर हो जाता तो मैं समझता हूं ये
एक डायरेक्ट पेनल्टी का भी वहां पर अपील हो सकता था, इशारा हो सकता था इस मैच का मुख्य रेफरी का, लेकिन यहां पर 18 यार्ड बॉक्स के बाहर इसने इनडायरेक्ट फ्री किक करने के लिए इस बार मरंडी एफसी की शॉट एक डेंजर एंगल से रणनीति यहां पर बना रहे हैं मंजला डी टीम बॉल को रोकने के लिए, और शॉट के लिए इस बार 10 नंबर 7 यहां टीम के कैप्टन इस बार आएंगे सनी मुर्मू शॉट के लिए। शॉट किस एंगल में जाएगी, अच्छा ही, लेकिन वहां पर वॉल में गेंद टकरा करके वापस में बॉल का पोजीशन इस बार ऑफसाइड का कॉल, क्योंकि वहां पर ऑफसाइड का ट्रैप में 14 नंबर लुइस हेमरा वहां पर जा चुके थे, और ऐसे में इनडायरेक्ट फ्री किक करने के इस बार जस्ट नंबर 15 पर होने खिलाड़ी यहां से डैनियल पिटू ये एक फाउल का कॉल, और रेफरी खिलाड़ियों से यहां पर चर्चा करते हुए कि आप प्रयास कीजिए वैसा फाउल ना खेले, लेकिन इस बार 15 नंबर गेंद को जीता है इस बार यहां से जोगेश मरांडी। जोगेश गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास कर भी रहा था, लेकिन एक चतुराई वहां पर उन्होंने दिखाया, वहां पर शायद में समय का उन्होंने हल्का सा बॉल को पुश किया और दानिल का पैर में शायद गेंद लगी, क्योंकि इस कमेंट्री बूथ के लेफ्ट यहां पर बॉक्स है और उस कॉर्नर में जो घंटा घटती है मैं नहीं देख पाता हूं, लेकिन अनुमान अच्छा इस बार यहां से क्या गोल होगा, पांच ओवर के गेंद को बाहर किया है, लेकिन इस बार 10 नंबर 7 इस बार गेंद को बाहर करने में सक्षम वहां से। तो बात कीजिएगा 17 नंबर में सिद्धन किसको, सिद्धन लेकिन बॉल कहीं दूसरी जगह पर चली गई, और अच्छा प्रयास सभी की बॉल का पोजीशन वहां पर
बाबू खेले अभी भी वहां से दानियल समांतर दिशा में इस बार शीत को खेल गया है 14 नंबर में बरौन टूटू इस बार एक घातक खिलाड़ी लेकिन सही पास वहां पर बढ़ा दिया गया था
बॉल पे बाहर को तो बना, बॉल अगर जब जब बाहर चली जाती है तो प्रयास कीजिए बॉल जाने के तुरंत बाद ही बॉल को सप्लाई करने का काम करेंगे जितने भी बॉल बॉयज हैं। बॉल अगर बाहर जाती है तो बॉल को अगल बगल ही रखें और जैसे ही बॉल की मांग होगा ग्राउंड में आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी भी यहां से जस्ट नंबर लाइन पर निकला, यहां से शॉट तो लिया है लेकिन ये अटेम्प्ट काफी बेहतरीन और थोड़ा सा वो पोस्ट से बाहर से गेंद बाहर चली जाएगी। संजीव किस्कू ने ये अटेम्प्ट लगाया था जस्ट नंबर नाइन में मरंडी एफसी। तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल है कौन सा टीम जीतेगा कौन सा टीम हारेगा, ये तो भविष्य की घर में छिपी हुई बात है। लेकिन दोनों ही टीम्स यहाँ से पूरा वो अपना बेस्ट देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस के साथ मैच को जीतने का प्रयास करते हैं। अभी भी यहाँ से दो नंबर जैसे पानी का इस बीच अनुप प्रमुख ने गेंद को आगे बढ़ा दिया लेकिन सिद्धन चेस डाउन करने के बाद वहां से इस बार साथ ही करके खेलने का प्रयास किया था लेकिन अभी भी बॉल का पोजीशन ओपन बाबू इस बार हम सही गेंद का आगे बढ़ा ब्राउन के लिए लेकिन दो नंबर का हेडर अनुप प्रमुख और ऐसे में बॉल का पोजीशन ऐसे में इस बार 14 नंबर। लेकिन वहां पर एक तरीके का अगर आप देखें तो ये रॉन्ग टैकल उड़ाई कितान को लेबे किदा भाई थे उड़ाई येलो कार्ड दिया गया इस खिलाड़ी को दानियल। दानियल उड़े चितान कुन बोले लेते किधर और नहीं तो उड़े फाउल या कोल है इतना मैं खाने था फ्री किक लगी चांस पुनः मैं करा मरांडी एफसी टीम चेल करा शॉट को लगवा उड़े सनी हो बनेगा शॉट की और जने सनी की पसंद वाला शॉट है लगवा शनी का शॉट लेकिन गोपी के लिए कोई खतरा नहीं। गोपी बना टीम कैप्टन जिस पर खिलाड़ी को रेडी बैंड होगा अगला मैच खेले दोनों टीम्स के कैप्टन आप अपने खिलाड़ी को तैयार रखेंगे। यूनाइटेड रॉयल एफसी गोपी कादर वर्सेस जेएसएम फूल बगान। लेकिन इस बार काउंटर के लिए वहां पर क्या मौका गोल होगा पहला चांस वहां पर गवा दिए हैं लेकिन हैंड फाउल वहां पर साइलेंट का हाथ में गिर लगे। दानियल का शॉट ब्रोन के लिए ब्रोन एक अच्छे खड़े हैं सटीक पास दिए लेकिन एंड वक्त में कम्बिनेशन वहां पर गड़बड़ा गई। बॉल को वहां पर थ्रू पास के जरिए आगे बढ़ा दिया है लेकिन चार नंबर इतवार वहां गेंद को लेकर के विपक्षी टीम ने ही गेंद को जीता है। बार छह नंबर प्रहार ब्रोन ने गेंद को जीता था प्रहार का ये एक खराबी शॉट एक खत्म का शॉट का पड़ा उनका ना बोलने थोड़ा दबाव लेकर पर शॉट लेकर तो क्या गोल होगा क्या करना ये था उनका गोल क्या होगा ये तो एक अच्छा मौका यहाँ मिल सकता है ऐसे में मंजलाली टीम को येलो कार्ड यहाँ पर दिखाए गए खिलाड़ी को ऐसे में चार नंबर। मंजलाली टीम अभी तक में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है फर्स्ट 11 में जिन जिन खिलाड़ियों को जगह मिला है वही खड़े खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ देखना है कब तक ये फर्स्ट 11 में जितने खड़े को जो जगह दिया गया वही खड़े खिलाड़ी लेकिन यहाँ पर बरौन का शॉट का इस बार यहाँ से ऑफसाइड का फ्लैग तो पहले ही हुआ करता है मरांडी एफसी बोथ द टीम्स स्कोर लाइन जीरो मरंडी एफसी जीरो एंड एफसी मंजलाडी जीरो एंड आई थिंक स्लोली द टाइम इज पासिंग एंड द रेगुलेशन टाइम इज लेफ्ट वेरी लेट काफी कम समय शेष रह गया है इस मैच में और अभी भी यहां से क्या पहला गोल का रणनीति बना पाते हैं कभी बोल क्या वहां से सजा पाते हैं कि नहीं इस बार साइलेंट लेकिन सिद्धन को खेला है सिद्धन का गेम को भी वहां से इंटरसेप्ट कर दिया गया है बीच में लेकिन अभी भी बॉल का पोजीशन मरंडी एफसी टीम ने जीता है। अभी उन्हें कौन तो बॉल को हाई लेना कौन रोंग में जैसे ने मरंडी एफसी उन्हें कौन ब्रेन लेगा लेगा के उन्हें सटीक शॉट बाय लगा रहा था मेंशन आई हूं खुद उन्हें खुशी होनी है उन्हें शॉट संगते ये रहा बॉल पोजीशन को जीता हुआ लेकिन होपन बाबू का नहीं देखा थी मी के चाइट को कहते निधाओ चांस को दे बाल देखो रन साइड लगते हैं मेंशन मुझे समय रहा देखो गोलकीपर उन्हें जगह बन गया तुरंत उठूंगा और उन्हें बोले चुन बन गया नुआ बीच में एक मिनट या एडेड टाइम
सेकेंड हाफ का मैच में सिर्फ एक मिनट का जो इंजरी टाइम यहां पर ऐड कर दिया गया है, एक मिनट। क्या ये एक मिनट के अंदर गोल हो पाती है कि नहीं, ये देखना है। अगर गोल होती है तो यहां से वो टीम बड़ा लकी टीम साबित होंगे, क्योंकि दोनों टीम्स का स्कोर लाइन 0-0 की बराबरी में है। यहां पर देखना है ये मैच टाई ब्रेकर में जाएगी या यहां पर मैदानी गोल होगा। यहां पर मौका इस बार साइलेंट, क्या मौका बना पाते हैं? जी नहीं, इस बार चांस बना था लेकिन शायलर ने भी इस बार एक बड़ा गलती कर दिया और वहां पर गोलकीपर का सामने होने से लगाया, लेकिन इस बार एक अच्छा गोलकीपर कुमी ब्रुमो, ये बोल अगर गोल होता तो शायलर अपना टीम के लिए वो एक लकी खेल साबित होता, क्योंकि यहां पर मैंने जिक्र ही कर रहा था ये इंजरी टाइम एक मिनट का एड कर दिया गया है और एडेड टाइम अगर गोल होती है तो वो टीम एक लकी टीम गिनी जाएंगे, क्योंकि दोनों टीम का स्कोर लाइन 0 मरंडी एफसी 0 और एफसी मंजलाडी 0। और इसी के साथ इस मैच का एक अच्छा जजमेंट ऑफ साइड के लिए इस बार फ्री किक करने के इस बार मौका मिलेगा एफसी मंजलाडी टीम। आखिरी समय में मौका मिला था लेकिन क्या यहां से जो भी समय स्वस्थ रह गया है इसमें गोल होगा कि नहीं, इस मैच का ऑन फील्ड रेफरी शॉपन लेखरासर का फुल टाइम विशील और इस समय मरंडी एफसी 0